عظم ودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية الحجة القائمية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وجود نازنين ذي الجود إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كسلامتي اور حضرت کے ظہور میں تعجیل علماء کرام فضلاء کرام شیعان حیدر کرار اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں عزیزان محترم بغیر کسی خاص تمہید و مقدمہ ماشاءاللہ سے اس سے پہلے آپ نے دنیا کے ایک بہترین خطیب کو سماعت کیا قبلہ کی خطابت قبلہ کے الفاظ اور قبلہ کا بیان ماشاءاللہ سے آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر اور مجھ سے زیادہ سنتے رہتے ہیں مجھ سے بانیان مجلس نے تقریباً ایک فرمائش بھی کی ہے کہ والدین کے حوالے سے بھی دو چار جملے اگرچہ میری خواہش کچھ اور تھی بیان کرنے کی لیکن کیونکہ ایک فرمائش ہے تو اس فرمائش پہ عمل کرتے ہوئے ماں کے حوالے سے دو جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور اتفاق سے یہ گرمی اور یہ دھوپ کا نکلنا اور یہ پسینوں کا بہنا اور ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس کا ہونا اس مشقت میں دوبارہ اسی تعداد میں فرش عزا پہ آنا یہ کہیں نہ کہیں ماں کی تربیت کی طرف پلٹتی ہے اچھا ابھی جو افراد پہنچ گئے خیر پہنچ گئے اور جو نہیں پہنچے انشاءاللہ آگے کے جملوں میں پہنچیں گے کہ قبلہ ماں کے حوالے سے کچھ بیان کیجئے میں نے کہا ماں کی معرفت اور ماں کی فضیلت کے لیے ایک جملہ کافی اور وہ بھی کسی خطیب کی خطابت یا کسی ذاکر کی ذاکری یا کسی مبلغ کی تبلیغ نہیں معصومین کے جملات ہیں حضرت نے فرمایا سنو آواز اگر تھوڑی سی کم کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر کہ ماں تم جاننا چاہتے ہو ماں کسے کہتے ہیں ماں کی عظمت کیا ہے ماں کی فضیلت کیا ہے حضرت نے فرمایا سنو جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرو تو جاؤ
अपनी माँ का शुक्रिया अदा करो, तुम्हारी माँ ने खयानत नहीं की। कि माँ ने खयानत नहीं की। अच्छा, मोहब्बत अली के दावेदार हैं और अली का इश्क लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और अली का इश्क यकीनन एक छोटा सा लालच भी है। लालच ये है कि सरात पे अली की मोहब्बत काम आएगी। लालच ये है कि जन्नत में अली की सिफारिश से हम दाखिल कर दिए जाएंगे। लालच ये है कि अली की मोहब्बत के जरिए खुदा हमारे नाम अमाल से गुनाहों को मिटा देगा। ये सारे लालच हैं। जाहिर सी बात है, एक तो अली की मोहब्बत फितरी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लालच भी है अली से मोहब्बत का, कुछ फायदे भी हैं अली की मोहब्बत के। अजब नहीं, मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाती हैं अली की मोहब्बत के फायदे हैं। सिरात पे अली की मोहब्बत काम आएगी, कब्र में अली की मोहब्बत काम आएगी, हश्र में अली की मोहब्बत काम आएगी। लेकिन तुम्हें पता है, इसी दुनिया में खुदा ने तुम्हें उस मोहब्बत का एक सिला दिया है। तुम्हें पता है वो क्या है? कि मौला क्या है कि जब भी तुम अली की मोहब्बत अपने दिल में महसूस करो तो समझ जाओ तैयबुल विलादा, तुम्हारी विलादत पाकीज़ा है। जब भी तुम्हारे दिलों में अली की मोहब्बत महसूस हो, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मुनासिब हो तो इस माइक की आवाज थोड़ी कम कर दें, ज्यादा है। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। थोड़ा थोड़ा आप हजरत आगे आते चलें ताकि पीछे वाले। तो खुलासा ये माँ की अजमत है। खुदावंद मुताल ने माँ के जरिए हमें कुछ नेमतें अता की हैं। पता है माँ का मैंने शुरू में एक जुमला फरमाया था, हदीस भी आप हजरात के सामने बयान की, अगरचे अरबी के अल्फाज नहीं बयान फरमाए। मौला क्या फरमानते हैं? मौ वजदा बर्दा हुब्बेना फी कल्बे, जो भी हमारी मोहब्बत की ठंडक अपने दिल में महसूस करे, फल युक्फिर दुआ ले उम्मे, तो वो जाए अपनी माँ के लिए दुआ करे। क्यों? फ़इन्नहा लम तखुन अबा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ खयानत नहीं की। जुमले बड़े सख्त हैं, बड़े अजीब व गरीब हैं। अगर आप गौर करें, दिक्कत करें, अजीब जुमले के शुक्रिया अदा करो क्योंकि उसने खयानत नहीं की। क्यों? क्योंकि रवायत माशाल्लाह से और अहादीस और फरमाइशात मासूमीन हमने खूब सुने, या अली ला युबग़िदुका इल्ला वलदुज़्ज़िना, अली तुमसे मोहब्बत, तुमसे बोग्ज नहीं रखेगा मगर ये कि वो वलदुज़्ज़िना होगा, मुनाफिक होगा, मुशरिक होगा, या वो कि जिसका हमल हालत हैज में हुआ हो। हर कोई अली से नफरत नहीं रखेगा, हर कोई अली से नफरत नहीं रखेगा। जिसकी विलादत पाकीजा हो वो अली से नफरत नहीं रख सकता, जिसकी विलादत पाकीजा हो। अब सबसे बड़ी नेमत कि जिससे खुदा ने हमें नवाजा, हमारी विलादत पाकीजा है। और इसी तरह से रवायतें हैं कि जब भी तुम करबला जाओ और करबला अगर तुम पहुंच गए तो समझ जाओ तुम्हारी विलादत पाकीजा है। और विलादत का पाकीजा होना नेमत है, नेमत खास समझें या ना समझें, विलादत का पाकीजा होना। तो ये अजमत है माँ की। माँ की तरफ से हमें सबसे पहली नेमत मिली जब हम गहवारे में थे, तो सबसे पहला लफ्ज जो हमारी माँ ने हमें सिखाया वो या अली या हुसैन था। तो माँ की बरकतें हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस मैंने जिस हदीस का तकरीबन आप हजरात के सामने कराअत का शरफ हासिल किया, और वो हदीस माशाल्लाह से हमारी कौम के बच्चे बच्चे 4-5-6 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं सुनी ज़रूर होगी, और ज़्यादातर बुज़ुर्गों को तो माशाल्लाह से हिफ्ज़ है। हदीस के तर्जुमे की भी कोई
ज़रूरत नहीं है, लेकिन मजलिस का तकाजा उस तकाजे पे अमल करता चलूँ। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी हदीस हैं कि जिस पर तरफ़ैन मुत्तफिक हों। बस एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़्यादा मुकदमात की तरफ आपको लेके नहीं जाऊँगा, सिर्फ मतालिब आप हजरात के सामने बयान करूँगा। 40 से 45 मिनट में जहमत तमाम इंशाल्लाह। हमारे तरफ बहुत कम रिवायती हैं कि जिन पर तरफ़ैन मुत्तफिक हों। तरफ़ैन से मुराद अहले सुन्नत और अहले तशय्यु, यानी दोनों का इत्तेफाक हो कि भाई ये हदीस सही है। बहुत कम ऐसी अहादीस है। खैर, इस हदीस का ताल्लुक तकरीबन उन्हीं रिवायात में से है कि जिन पर तरफ़ैन मुत्तफिक हैं, यानी अहले सुन्नत के अगर आप रुवात उठाएं, अहले सुन्नत के नाकिलीन उठाएं, तो उनका भी मानना है कि ये हदीस सहीह सनद है, इसकी सनद मुअतबर है, इसका मतन मुअतबर है, महल सुदूर का भी एतबार है। इसी तरह अहले तशय्यो की खिदमत में जाएंगे तो अहले तशय्यो भी तकरीबन इस पर मुत्तफिक हैं, बस थोड़ा सा इख्तलाफ है अल्फाज में, अल्फाज में। मिसाल के तौर पे मन माता वलम यारिफ, जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को ना पहचाने, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। ये हदीस तकरीबन जो मशहूर है इस अल्फाज के साथ, इसका एतबार ज्यादा है, और शियों के नज़दीक इसका एतबार तकरीबन दूसरे अल्फाज के साथ वारिद हुई हैं, उन सबसे ज्यादा इस अल्फाज के साथ का एतबार है। खूब, अब आइए अहले सुन्नत के पास। देखिए मफहूम वही है, मफहूम पे गौर कीजिएगा, अल्फाज पे गौर नहीं, मफहूम पे। अहले सुन्नत आप जाए सही है मुस्लिम में, मुस्लिम साहब बयान फरमाते हैं من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية, जो मर जाए और उसकी गर्दन पे किसी की बैअत ना हो, किसी की बैअत ना हो, मात मीत जाहिलिया, तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। खूब, और आगे बढ़े, बुखारी की शरह मुस्तदरक की शक्ल में बयान फरमाते हैं, साहिब मुस्तदरक लिखते हैं मन माता वलैस फी उनुकही बैआ, जो मर जाए और उसकी गर्दन पे बैअत ना हो। यहां दो लफ्जों का इजाफा हुआ है, वो दो लफ्ज क्या हैं? इमामुल हाई, जिंदा इमाम की। बस गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह नतीजा बड़ा खूबसूरत आप हजरात के सामने दूंगा कि जो मर जाए और उसकी गर्दन पे किसी जिंदा इमाम की बैअत ना हो, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। खूब, और आगे बढ़े, तबरी साहब बयान फरमाते मन माता वलैस लहू इमाम, जो मर जाए और उसका कोई भी इमाम ना हो, तो उसकी मर्जी, वो चाहे यहूदी की मौत मर जाए या नसरानी की मौत मर जाए। अच्छा, ये सारी रिवायात बयान करने का मकसद क्या है? बयान करने का मकसद बस छोटा सा है, वो मकसद ये है कि आखिर मुसलमानों के ये तमाम फिरक इस बात के कायल हैं कि हर जमाने में किसी न किसी हुज्जत का होना जरूरी है। बस पहुंच रहे हैं आप हजरात, हर जमाने में किसी न किसी हुज्जत का होना जरूरी है। भाई इसका नतीजा यही निकला कि इस दौर में भी हुज्जत खुदा का वजूद है, इस दौर में भी हुज्जत खुदा का वजूद है। अच्छा, सबने ये लिख दिया कि हर दौर में किसी इमाम का होना जरूरी है जिसकी बैअत की जाए। इमाम कौन सा इमाम? इमाम हाई, जिंदा इमाम हर दौर में जरूरी है। अब मैं सवाल ये करूंगा, तमाम मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम के जितने भी मुख्तसर छोटे या बड़े जितने भी फिरक हैं, उन सब की खिदमत में सवाल, और सवाल ये है कि तुम में से कितने फिरके हैं जिसका मानना ये है कि हमारा इमाम जिंदा है? भाई तुम में से कितने फिरके हैं जिसका ये मानना है कि हमारा इमाम जिंदा है? अब जब आप ये ऐलान करेंगे तो इस ऐलान के बाद फकत व फकत एक फिरका खड़ा होगा, और खड़ा होने के बाद कहेगा हमारा अकीदा ये है कि अगर कोई इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए तो उसकी मौत कुफ्र की मौत है,
उसकी मौत निफाक की मौत है। अब हमने जब ये सुना तो जाहिर सी बात है सवाल पैदा हुआ, अब जरा बताओ तुम्हारे जमाने का इमाम कौन है, बताओ तुम्हारे जमाने का इमाम कौन है। भाई जाहिर सी बात है जब तुमने अहदीस नकल की, हदीसें नकल की और तुमने इस बात का इकरार किया, एतराफ किया कि हर दौर में किसी इमाम का होना जरूरी है, तो तुम्हारा इमाम कौन है। और माशाल्लाह से अभी क़िबला भी इशारा फरमा रहे थे कि खुदा ने अपनी इस जमीन को बगैर हुज्जत खाली नहीं छोड़ा। लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्द बिअहलिहा, अगर हुज्जत खुदा जमीन पे ना होती तो ये जमीन खराब हो जाती, धस जाती, तबाह बर्बाद हो जाती। बड़े खूबसूरत अल्फाज, मैं अपनी मजालिसों में बारहा इन जुमलों को नकल करता रहता हूँ, बयान करता रहता हूँ। अगर मुझसे कोई सवाल करे, और बारहा लोगों ने सवाल किया कि क़िबला वजूद इमाम जमान पे सबसे बेहतरीन दलील क्या है, भाई गौर कीजिएगा, इमाम जमान किसका जिक्र हो रहा है, इमाम जमान के जिसके साथ हमें और आपको महशूर किया जाएगा, कि वजूद इमाम जमान पे सबसे बेहतरीन दलील क्या है। तो मैं समझता हूं बच्चे भी ये दलील याद कर लें, वजूद इमाम पे सबसे बेहतरीन दलील ये है कि आप अपनी तरफ मुराजा करें और अपने दिल पे हाथ रखें, अगर आपके दिल की धड़कनें बज रही हैं और सांसें चल रही हैं तो समझ जाओ इमाम का वजूद है। ये कायदा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर आपने पिछली गुज़श्ता जो भी मैंने हदीस पढ़ी उस हदीस पे गौर करें तो ये कायदा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। भाई हम दुनिया का हिस्सा हैं या नहीं, दुनिया का हिस्सा है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसी दुनिया का हिस्सा है। भाई मौला फरमा रहे हैं लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्द बिअहलिहा, अगर हुज्जत इलाही इस जमीन पर ना हो तो ये जमीन अपने अहल के साथ धस जाएगी। अब अगर हमारी सांसें चल रही हैं तो इसका मतलब तो यही है ना कि इमाम का वजूद है। बड़ा आसान तरीका है, इमाम का वजूद है। अच्छा, इस दौर में तीन तरह के लोग हैं इमाम जमाने के वजूद के हवाले से, तीन तरह के लोग हैं, इंशाल्लाह मैं वजूद पे ही डिस्कस करूंगा। तीन तरह के लोग हैं, एक जो इमाम जमाना के वजूद के कायल हैं और एक जो इमाम जमाना के वजूद के मुनकिर हैं। गौर कीजिएगा, एक वो जिनका मानना है कि इमाम जमाना का वजूद है, एक वो जिनका मानना है कि इमाम जमाना का कोई वजूद नहीं। ये बाज़ अफराद कहते हैं कि वो पैदा होने के बाद इस दुनिया से कूच कर गए, गुजर गए, या फला फला, वो सारी की सारी बातिल बातें हैं कि जिन पर बहस व मनाज़रे की ज़रूरत है। माशाल्लाह से सूरज और चांद से भी ज़्यादा ये बातें रोशन हैं हमारे लिए। तो एक गुरोह वो है जिसका मानना क्या है, वजूद है। दूसरा गुरोह वो जिसका मानना है कि वजूद नहीं है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुनकिर वजूद इमाम ज़मान। ठीक है, अच्छा अब गौर करें, ये खास खास मौला के मुंतजरीन के लिए, मौला के शियों के लिए, इसी वजूद इमाम जमान के कायलीन की दो सिफत हैं। जो कायल हैं कि इमाम का वजूद है, उनमें दो तरह के लोग हैं, एक वो जो इमाम जमान के असर के कायल हैं, भाई गौर कीजिएगा जुमलों पे, एक वो जिनका अकीदा ये है कि इमाम का वजूद है, ना सिर्फ ये कि इमाम का वजूद है बल्कि इमाम की दखालत हमारी जिंदगी में है। गौर कीजिएगा भाई, बड़ी अजीम मंजिल की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। इसी कायल में दो तरह के लोग हैं और जो हमारे शियों में पाया जाते हैं, एक वो जिनका मानना ये है कि इमाम जमाना का पूरा असर हमारे दरमियान है, दूसरा गुरोह वो है जो इमाम जमान के वजूद का कायल तो है लेकिन कहीं ना कहीं तातील का कायल हो जाता है। तातील अरबी लफ्ज है, इसे अगर हम उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करें तो छुट्टी,
छुट्टी। इमाम ज़माने के वजूद के हवाले से बाज़ लोग तातील के कायल हो जाते हैं, तातील के कायल, यानी कभी कभी होते, मैं ज्यादा वाजे नहीं करूंगा, जब तक इमाम गायब हैं, जब तक इमाम नहीं आएंगे, इमाम तो पर्दे गैब में है। भाई जुमलों पे गौर कीजिएगा, बड़े अजीम जुमले बयान कर रहा हूं, और अगर जुमलों पे गौर किया तो इंशाल्लाह नतीजा बखूबी आप हजरात तक पहुंच जाएगा। वजूद इमाम के कायलीन में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो वजूद के साथ साथ इमाम के असर के कायल हैं, यानी इमाम का असर है, इमाम हमारी जिंदगियों में दखालत रखते हैं। एक वो गुरोह जो इमाम के वजूद का कायल है, जिसका मानना है कि इमाम जिंदा है लेकिन इमाम का असर हमारी जिंदगी में नहीं है। अब ये दो गुरोह, अच्छा इन दो गुरोह को समझने और समझाने के लिए मेरे ख्याल से क़िबला वसीउल हसन खान साहब ने एक इशारा किया था, वो जो इमाम की मिसाल सूरज के मानिंदी थी, एक इशारा था, उसी पर रवायत आप हजरात की नजर करता चलू। इमाम की खिदमत में एक साहब आए तो इमाम ने फरमाया कि जब से खुदावंद मुताल ने इस जमीन को पैदा किया, जमीन का फर्श बिछाया, आदम को भेजा, खुदा ने अपनी इस जमीन को हुज्जत खुदा से खाली नहीं छोड़ा। बस जुमलों पे गौर कीजिएगा, जब से खुदा ने इस जमीन को पैदा किया, आदम को भेजा, तब से खुदा ने इस जमीन को अपनी हुज्जत से खाली नहीं छोड़ा। इम्मा ज़ाहिरुम मशहूर औ ग़ाइबुम मस्तूर, या ये कि हुज्जत खुदा जाहिर है मशहूर है या गायब है मस्तूर है पोशीदा है। मौला ने क्या फरमाया, जब से खुदा ने इस दुनिया को पैदा किया, खुदा ने अपनी हुज्जत अपने खलीफा अपने वली से इस दुनिया को नहीं छोड़ा, या ये कि वो खलीफा खुदा वो हुज्जत खुदा जाहिर व मशहूर या गायब मस्तूर। मसलन पहले इमाम के जमाने में अगर आप जाते और जाने के बाद उस जमाने के लोगों पे अगर कोई परेशानी आती तो वो क्या करते, दौड़ते हुए किसके पास जाते, इमाम जमान के पास जाते। उनके जमाने का इमाम कौन है, अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम, सलावत पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। उस जमाने का इमाम कौन था, अमीरुल मोमिनीन, हुज्जत खुदा जाहिर है मशहूर है। अब जाहिर सी बात है लोगों पे जो भी परेशानियां आएंगी तो वो अपनी हुज्जत खुदा की खिदमत में जाएंगे और सवालात के जवाब तलब करेंगे। खूब अच्छा, साइल बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था। साइल ने यहां पे इक्तिफा नहीं किया, जब मौला ने फरमाया कि खुदा क्या, खुदा की हुज्जत का होना जरूरी है, या हुज्जत खुदा जाहिर हो या पोशीदा हो। अब जैसे ही साइल ने ये सुना के इमाम ने फरमाया हुज्जत खुदा गायब व मस्तूर, तो साहिल ने सवाल किया, मौला जब हुज्जत खुदा जाहिर होगी आशकार होगी तो जाहिर सी बात है हम सब जाएंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अपने सवालों के जवाब लेंगे। फकैफ यंतफ़िउ अन्नास बिल हुज्जतिल गायबिल मस्तूर, के मौला हुज्जत खुदा जाहिर व आशकार होगी तो समझ में आता है, लेकिन जब अल्लाह की हुज्जत गायब होगी, पोशीदा होगी, मस्तूर होगी, फकैफ यंतफ़िउ अन्नास या फकैफ यंतफ़िउन अन्नास, लोग उस हुज्जत से फायदा कैसे उठाएंगे। भाई ये मतलब अगर हमारे और आपके काम का नहीं तो फिर किसके काम का है। भाई हम फिलहाल एक ऐसे दौर में हैं जिस दौर की हुज्जत सामने नहीं है, चाहे वो हमारे गुनाहों की वजह से हो या किसी और अल्लत की वजह से, हम उनसे मुलाकात नहीं कर सकते अमूमी तौर पर, हम उनसे सवालात के जवाबात नहीं कर सकते मुस्तकिलन, उसके लिए एक बाज़ अलग शुरूत है। तो फरमाया मौला कैसे इस्तेफादा करेंगे, तो मौला ने जुमला फरमाया, वसी हसन खान साहब ने तकरीबन उसकी तरफ इशारा किया था, उसी को आप हदीस की शक्ल में सुने। मौला ने जुमला फरमाया, हजरत ने फरमाया कमा यंतफ़िउ अन्नास या कमा यंतफ़िउन अन्नास बिश्शम्सी इज़ा सतरहा सहाब,
कि लोग अपने जमाने के इमाम से जब इमाम गायब होंगे तो अपने जमाने के इमाम से ठीक उसी तरह इस्तफादा उठाएंगे जिस तरह लोग सूरज से इस्तफादा उठाते हैं जब सूरज को बादल घेर लें, जब सूरज को बादल घेर लें। इसकी बड़ी इल्लतें बयान की गई। भाई जाहिर सी बात, एक सवाल तो ये होगा कि मौला ने क्यों इमाम जमान की मिसाल सूरज के मानिंदी। इसकी बहुत सारी वजूहात, तकरीबन बाज़ वजूहात आपने इससे पहले वाली मजलिस में सुनी कि सूरज अगर चे गायब होता है, अगर ते बादल सूरज के सामने आ जाता है, लेकिन सूरज अपनी विया अपनी रोशनी हम तक पहुंचाता है। ये एक इल्लत, ये एक वजह। एक वजह और बताता चलूं, जब भी सूरज गायब होता है या सूरज के सामने बादल आ जाते हैं तो हर वो इंसान के जिसकी आंखें होती हैं वो एक दूसरे से कहेगा, अमा देखो सूरज निकला या नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें हैं, वो रोशनी को महसूस कर सकता है। वो बच्चों से कहेगा, जरा जाओ बाहर देखो क्या सूरज निकला या नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें सलामत हैं, वो रोशनी को देख सकता है, रोशनी को महसूस कर सकता है। लेकिन वो इंसान के जिसकी आंखें खराब हो, जिसकी आंखें खराब हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सूरज हो या ना हो, सूरज हो या ना हो। बस आखिर के मोमिनीन से मुखातिब हूं कि सूरज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि क्यों? कि भैया हमारी तो आंखें खराब हैं। अब समझ में आया मौला ने इमाम की मिसाल सूरज के मानिंद क्यों दी। यानी मौला बताना चाह रहे हैं, गैबते इमाम के दौर में इमाम का इंतजार वही करेगा जिसका दिल जिंदा हो। इमाम का इंतजार वही करेगा जिसका दिल जिंदा हो। अब जिसका दिल मर चुका, जो मुर्दार हो गया, जिसकी आंखें नहीं, जिसके पास बसीरत नहीं, उसके लिए बराबर इमाम हो ना हो। भाई इमाम मुमिनीन के लिए आंखों की ठंडक है, काफिरीन के लिए नहीं। अब जाहिर सी बात है, इमाम का इंतजार कौन करेगा? मुमिन करेगा। एक सलावात पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। मुझे लग रहा है माइक वाला थोड़ा सा नाराज है, मैं गुजारिश है आवाज थोड़ी कम कर दें, ज्यादा हो रही है आवाज, मुझे खुद तकलीफ हो रही है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद, कम कर दें आवाज। जी जी, एक और सलावात पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। तो खुलासा, इमाम जमाना के वजूद का इंतजार कौन करेगा? वो इमाम जमाना का इंतजार करेगा जिसका दिल जिंदा होगा। अब जिसका दिल मर चुका हो, जो मुर्दार हो चुका हो, उसके लिए इमाम जमाना का होना ना होना बराबर है। अब आप खुद महसूस करें और देखें, जो इमाम जमाना का इंतजार कर रहा है, जिसके दिल में इमाम जमाना के लिए तड़प है, जिसके दिल में इमाम जमाना के लिए इश्क है, जो रोज नमाजों में अल्लाहुम्मा अज्जिल ली वलीयकल फरज वल आफियत वन नसर के नारे लगा रहा है, समझ जाओ उसका दिल जिंदा है। और जो भी इमाम जमाना की यादों से गाफिल हैं, वो जाएं पहले अपने दिल को जिंदा करें इबादतों के जरिए। जब तक दिल नहीं जिंदा होगा, तब तक इमाम की महब्बत, इमाम का इश्क और इमाम के लिए तड़प हमारे दिलों में जिंदा नहीं हो सकती। हम इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के हवाले से जितना हो सके, जितना हो सके बयान करें, जितना हो सके सुने, और जितना हो सके इमाम जमान के हवाले से खुद पढ़ें, खुद मुताला करें। इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, जैसा कि आप हजरात ने सुना, इमाम को तकरीबन जितनी भी अहले बैत की शख्सियात थी सब ने याद फरमाया, और ऐसे ऐसे तरीके से याद फरमाया, अजीब व गरीब, हैरत होगी। एक सलावात पढ़े मोहम्मद,
एक और सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद को। आवाज थोड़ी ज्यादा कम हो गई है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद को। तो खुलासा, जब तक हम इमाम ज़माना के वजूद के हवाले से मुतालआ नहीं करेंगे, जब तक हम इमाम ज़माना के वजूद के हवाले से दकीक नहीं पढ़ेंगे, तब तक इंतजार नहीं होगा। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि फला आलिम कल आने वाला है आपकी बस्ती में। जाहिर सी बात है, उस आलिम की बनिस्बत जितनी मारफत होगी उतना ज्यादा इंतजार होगा। समझ रहे मेरे जुमलों को? एक वक्त है कि मिसाल के तौर पे एक ऐसा आलिम आ रहा है जिसे आप नहीं पहचानते, जाहिर सी बात है उसका इंतजार कम होगा। लेकिन एक वक्त है कोई ऐसा आलिम आ रहा है कि जिसे आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, जिसकी मजलिसें बारहा सुनते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इंतजार ज्यादा होगा। तो अब क्यों आपके सामने बार बार इमाम के वजूद पे गुफ्तगू हो रही, इमाम की मारिफत पे गुफ्तगू हो रही? इसकी इल्लत ये है कि जितना ज्यादा हम इमाम के बारे में जानेंगे उतना ज्यादा हमारे दिलों में इमाम के लिए इश्तियाक पैदा होगा, इमाम के लिए तड़प पैदा होगी। और जब तक हमारे दिलों में इश्तियाक नहीं होगा, तड़प नहीं होगी, इमाम ज़माना के दीदार से हम मुनव्वर नहीं हो सकते। अपने अंदर तड़प पैदा करें, ऐसे ही नहीं खाम ख्याली खुद ब खुद ऐसे ही बस इमाम ज़माना से मुलाकात हो जाए, इमाम के चेहरे अकदस को देख ले, नहीं आगा जन। हमारे अंदर तड़प होना जरूरी है, शिद्दत होना जरूरी है। बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं क़िबला हम भी तो इमाम ज़माना से मिलना चाह रहे हैं, फिर इमाम ज़माना से हमारी मुलाकात क्यों नहीं हो रही? भाई खुद एहसास करें, क्या आपके अंदर वो तड़प है? क्या आपके अंदर वो इश्तियाक है? शायद जुमले आपके लिए संगीन ना हो। अभी आपने सुनी रवायत, इमाम सादिक क्या फरमाते हैं, लौ अदरकतुहू, अगर मैं अपने वक्त के इमाम इमाम जमाना को देखता, इमाम आखिर को देखता, लखदिमतहू अय्याम हयाती, जिंदगी का एक हिस्सा उनकी खिदमत करता। जुमला अजीब नहीं है भाई? इमाम सादिक जिन्होंने उलूम के दरवाजों को खोला, वो इमाम कह रहा है कि अगर मैं आखिर उस जमान आखिरी इमाम को दर करता तो उनकी खिदमत करता। इमाम सादिक से ही रिवायत है, सुदैर सैराफी कहते हैं मैं पहुंचा, मैंने देखा इमाम दो जानू बैठे हैं और गिरिया फरमा रहे हैं। इमाम सादिक अपने घर में दो जानू बैठे हुए और गिरिया कर रहे हैं। सुदैर सैराफी कहते हैं, बड़े मुअतबर रावी हैं सुदैर सैराफी, सुदैर सैराफी कहते हैं कि मैं जैसे इमाम सादिक के घर में वारिद हुआ, मैंने देखा इमाम सादिक की हालत अजीब है, परेशान है, अमामा सर से नीचे रखा हुआ है, इमाम दोनों हाथ अपने जानू पे मार रहे हैं। अब जो सुदैर ने हालत बयान की, मुझे नहीं पता इस हालत को हम और आप कैसे महसूस करेंगे। सुदैर फरमाते हैं मैंने देखा इमाम की हालत कुछ इस तरह है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खो दे और उस बच्चे के फराक में बैठ के गिरिया करे। अभी इमाम जमाना पे गैबत आई नहीं, अभी इमाम जमान जाहिरी तौर पे इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। सुदैर कहते हैं कि मैं जैसे घर में वारिद हुआ, मैंने देखा इमाम सादिक रो रहे हैं और हजरत के जुमले हैं, क्या जुमले हैं, सैयदी गैबत का नफद रुकादी व दयअत अलैया मिहादी। ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे सरदार, आपकी गैबत ने हमारी नींदों को उड़ा दिया है, आपकी गैबत ने हमारे चैन उड़ा दिए हैं, आपकी गैबत ने हमारे दिलों को मुतरिब कर दिया है। अभी इमाम ज़माने की गैबत शुरू नहीं हुई। इमाम सादिक का इश्तियाक है किसके लिए? इमाम ज़मान के लिए। जब तक हमारे दिलों में इश्तियाक नहीं होगा तब तक कोई मसले का हल नहीं है। भूल जाए खाम ख्याली बातें, कोई मसले का हल नहीं है। मसले का हल फकत व फकत इमाम ज़माना के वजूद पे यकीन और इश्तियाक।
आखिर जमान की जो दुआएं हैं, दुआए आखिर ज़मनुल गैबा अगर आप पढ़ें तो उसमें क्या लफ्ज़ मौजूद है, परवरदिगारा इमाम ज़माना की गैबत तूलानी होने की वजह से अगर हमारा यकीन ज़ाइल होने लगे, हमारा दिल टाल मटोल करने लगे, तो परवरदिगारा हमारे यकीन को ज़ाइल ना होने दे। दौर है ये, युस्बहु अर्रजुल मुमिनन व युमसा काफिरा, सुबह होगी मुमिन होगा, शाम होगी काफिर, कुछ नहीं पता। ये दौर है, इस दौर में सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि अपने जमाने के इमाम के दामन को थामे रहे, इमाम के दामन से मुतमस्सिक हो। और अगर बाज़ अफराद ये शिकायत करें और कहें कि क़िबला इमाम ज़माने के हवाले से हमारी आवाम नहीं जानती, तो मैं आवाम को भी कसूरवार समझता हूँ और दीगर अफराद को भी कसूरवार समझता हूँ। खूब अमीरुल मोमिनीन के बारे में क्यों आप लोग सब जानते हैं, क्यों जानते हैं? आपको सुनना भी पसंद है और हमें पढ़ना भी पसंद है, जानते हैं। अब आप आदत डालें इमाम ज़माना के हवाले से सुनना भी पसंद करें और ऐसा पसंद करें कि सामने वाला भी सुनाते खुद को अच्छा लगे, ये आपको माहौल बनाना है। इमाम ज़माना के वजूद पे जितना ज्यादा हमारा यकीन होगा उतना ही ज्यादा हमारे अंदर इश्तियाक पैदा होगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद का। खैर मैं जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूं, तो हमारी बहस फिलहाल हो रही थी वजूद इमाम के हवाले से, इमाम ज़माना का वजूद। मैंने कहा जब से खुदा ने इस कायनात को पैदा किया अपने वजूद से, खलीफे खुदा से, इस जमीन को खाली नहीं छोड़ा। एक बड़ी खूबसूरत रिवायत, अगर आप उसूल काफ़ी का मुराजा करेंगे तो उसूल काफ़ी में मेरे ख्याल से पहली दूसरी तीसरी ऐसी ये रिवायत मौजूद है, किताब हुज्जत में। छठे इमाम के पास हिशाम बिन हकम तशरीफ लाए और छठे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, हिशाम कल तुमने उस अमर बिन उबैद के साथ क्या किया, क्या अमर बिन उबैद के साथ तुमने कल क्या किया? हिशाम ने फरमाया, मौला मैं आपके सामने अपनी जबान खोलूं कैसे मुमकिन है? इमाम ने फरमाया, जिस चीज का हमने तुम्हें हुक्म दिया उसे अंजाम दो, बताओ कल क्या हुआ। अब कहते हैं हिशाम बिन हकम ने बयान करना शुरू किया कि मौला कल मैं गया था मस्जिद में बसरा जुमे के दिन, जैसे ही मैं बसरा पहुंचा तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा आलिम दीन बैठा हुआ है और लोग चारों तरफ से उसे घेरे हुए और सारे के सारे कह रहे हैं अल्लामा साहब, आलिम साहब, मुज्तहिद साहब, आयतुल्लाहिल उज़्मा नमीदुन फला फला फला, बड़े बड़े लकब नवाजे जा रहे हैं। और कह मैं पीछे बैठा हुआ था, जब सबके सवाल और जवाब खत्म हो गए मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा भाई कुछ सवालात मेरे भी आपकी खिदमत में हैं। अमर बिन उबैद ने कहा बिस्मिल्ला। हिशाम ने फरमाया जरा मुझे बता, अलका आइनुन, क्या तेरी आंख है कि क्या तेरी आंख है? अब वो कौन अल्लामा, इतना बड़ा आलिम दीन, अगर मिसाल के तौर पे किसी से आप पूछे जाके कि भैया बताओ क्या सूरज निकला है, तो सामने वाले पे बड़ा गुस्सा तारी होगा, भाई कैसे अहमकाना सवाल है, कैसे सवाल है। उनकी भी कैफियत कुछ ऐसी ही थी कि हिशाम ये कैसे जाहिलाना सवाल है। जनाब हिशाम बिन हकम ने फरमाया, हा कदा मसअलती, मेरे सवाल ही कुछ ऐसे ही होते हैं, तुम जवाब दो, तुम्हें खुद आखिर में नतीजा जब मिलेगा तो पता चल जाएगा। हा कदा मसअलती, अब अमर बिन उबैद ने कहा ठीक है पूछो, अगरचे तुम्हारे सवाल अहमकों वाले हैं, नादानों वाले हैं, पूछो। हिशाम ने कहा जरा बता, अलका आइनुन, क्या तुम्हारी आंख है कहे कि उससे क्या करते हो कि उससे हम देखते हैं कि अच्छा। अलका उज़्नुन, क्या तुम्हारे कान हैं कहे कि उससे क्या करते हो कि उससे आवाजों को सुनता हूं कि अच्छा। कि अलक अनफोन, क्या तुम्हारी नाक है कि है कि उससे क्या करते हो कि उससे सूंघता हूं कि अच्छा। कि अलक फमोन, क्या तुम्हारा मुंह है कि हाँ कि उससे क्या करते हो कि उससे खाता हूं। फिर आखिर में जनाब हिशाम ने फरमाया कि जरा बता, अलक कल्बोन, क्या तेरा दिल है कि क्या तेरा दिल है कि हाँ दिल भी है कि उससे क्या करते हो कि उसका काम यह है कि जब नाक कान आंख किसी शक में पड़ जाएं तो दिल आगे बढ़ता है
और शक से दूर करता है, यकीन की मंजिलों पे लेके जाता है। बस जुमला सुनिएगा, जनाबे हिशाम ने फरमाया अच्छा कि दिल कैसे शक से दूर करता है जबकि नाक तो सही हो सालिम है, आंखें भी ठीक हैं, मुंह भी ठीक है, कान भी ठीक है, फिर दिल की जरूरत क्या। अजब नहीं जुमला कहे कि ये सारी चीजें ठीक हैं लेकिन खुदा ने दिल को इन सब का इमाम बनाया है, कि दिल को इन सब का इमाम बनाया है ताकि जब कान किसी आवाज को सुनने में गलती करे कि ये फलां की आवाज है या फलां की आवाज है, तो दिल का काम ये है कि शक से दूर करेगा, यकीन की मंजिल पे लेके जाएगा कि खुदा ने दिल को बनाया ताकि इन्हें शक से दूर करे, इर्तिदाद से दूर करे, यकीन की मंजिलों तक ले जाए। बस इतना सुनना था, जनाब हिशाम खड़े हुए कि ए अबू मरवान जरा बता वो खुदा जिसने तेरे मुख्तसर वजूद को बगैर इमाम नहीं छोड़ा, इस कायनात को बगैर इमाम कैसे छोड़े। कि तुम्हारे इस मुख्तसर वजूद को खुदा ने बगैर इमाम नहीं छोड़ा, दिल को इमाम बनाया, कैसे मुमकिन है कि खुदा इस कायनात को बगैर किसी इमाम छोड़ दे, बगैर किसी इमाम छोड़ दे, और उसकी मारिफत तुम पर वाजिब और लाजिम और जरूरी भी ना हो। इमाम का हर दौर में होना जरूरी है और इमाम के मारिफत हर दौर के लोगों के ऊपर वाजिब और लाजिम और फर्ज है। अगर इमाम जमाना की मारिफत के बगैर, एक हदीस जो सबसे संगीन है समझने के लिए, अगर कोई इंसान मारिफत इमाम जमान के बगैर इस दुनिया से चला जाए तो उसकी मौत कैसी है, जाहिलियत। अच्छा, जाहिलियत से मुराद अनपढ़ो गवार ना समझे, ऐसा नहीं है। छठे इमाम से जब किसी ने पूछा मौला यहाँ जाहिलियत से मुराद क्या है, तो हजरत ने फरमाया यहाँ जाहिलियत नहीं बल्कि जमाने जाहिलियत, और जमाने जाहिलियत क्या था, कुफ्र निफाक शिर्क। अब समझ में आता है, अगर कोई इंसान इमाम की मारिफत के बगैर इस दुनिया से चला जाए तो उसकी मौत कुफ्र की मौत है, निफाक की मौत है, शिर्क की मौत है। अब वो इंसान के जिसकी मौत कुफ्र पे हुई, जहन्नम की मोहर उसके सीने पे है, जहन्नम की मोहर उसके सीने पे है अगर कोई इंसान इमाम की मारिफत के बगैर इस दुनिया से चला जाए। एक सलावत पढ़े मिलजुल के मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम जमान की मारिफत, इमाम जमान के हवाले से आखिरी पैगाम आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता चलूं। आप माशाल्लाह से मुसलसल इमाम जमान के हवाले से जब भी मौका मिलता है, और तकरीबन ये अय्याम इमाम जमाना से ही मंसूब हैं, और इन अय्याम में मैंने खुद बंदे हकीर ने जो कुछ कोशिश की इमाम जमाना के हवाले से बयान किया, इमाम जमाना के हवाले से बहुत सारे मौजूआत हैं जो काबिल गौर और काबिल डिस्कस हैं, बहुत सारे मौजूआत हैं अलामात के हवाले से। और मैं, ये मेरा ज़ाती अकीदा है, सुनने से आपको जो चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें आपको ख़ुद पढ़ने से मिलेंगी। और मैं बारहा ये कहता रहता हूँ कि अपनी मारिफत और उसूल दीन फ़कत व फ़कत मजलिसों पे इक्तफा ना करें, वेला कोई नतीजा ख़ास नहीं निकलेगा। आप ख़ुद मुतालआ करें, ख़ुद पढ़ें और फिर मजलिसों में आके सुनें तो आपको भी मज़ा आएगा, लज्जतें मिलेंगी, लज्जतें मिलेंगी। अगर आपको इमाम ज़माना के वजूद का मुतालआ करना है, इमाम ज़माना के वजूद पे यकीन करना है, और मेरा दावा है जिस इंसान का इमाम ज़माना के वजूद पे अकीदा है वो इंसान मुंतज़िर है। शायद जुमला खूब समझ में ना आया हो लेकिन गौर कीजिएगा जाके, जिस इंसान का अकीदा इमाम के वजूद पे है वो इमाम का मुंतज़िर है। अब अगर कोई इंसान है जो इमाम ज़माना का इंतज़ार नहीं कर रहा या इमाम ज़माना का इश्तियाक उसके दिल में नहीं है, तो वो अपने दिल पे हाथ रखे और अपने दिल को समझाए और अपने दिल से कहे ठीक है, हम इमाम ज़माना के वजूद के हवाले से मुतालआ करेंगे और इमाम ज़माना के वजूद की मारिफत हासिल करेंगे। इमाम ज़माना के वजूद की मारिफत, इमाम ज़माना के वजूद की मारिफत
जब हो जाएगी तो इंतज़ार खुद ब खुद हो जाएगा। फिर ये जो सवालात, ये जो जवाबात और ये जो आपके दिलों में शक व शुभे, ये सारे के सारे दूर हो जाएंगे। इश्काल करने वाले, सवाल करने वाले हर दौर में रहे। मुमकिन है मिसाल के तौर पे इसी मजमे में 500 लोगों के जहनों में ये सवाल हो कि भाई आखिर इमाम ज़माना आज इतने सौ साल हो गए, 1187 साल या 1188 साल हो गए, और हम रोज़ दुआएं कर रहे हैं। हमारे मौलाना भी बेचारे मिंबर पे आते हैं और आने के बाद आखिर में कहते हैं अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीयिकल फरज वल आफियत वन नसर। हर रोज हम दुआए नमीदुना नुदबा पढ़ रहे हैं, ज़ियारत आले यासीन पढ़ रहे हैं। हमारे उलमा, हमारे आयतुल्लाह बड़े बड़े हरम में जा जा के इमाम ज़माने के ज़हूर की दुआएं कर रहे हैं, फिर भी इमाम का ज़हूर नहीं हो रहा है। सवाल है या नहीं? एक दौर में शेख अली अकबर नहावंदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शेख अली अकबर नहावंदी इराक के बहुत बड़े खतीब, इनकी एक किताब है अबकरीयुल हसान, बड़ी मुअतबर किताब है। शेख अली अकबर नहावंदी अपनी किताब में किस्सा नकल करते हैं, कहते मैं हिल्ला गया, जब मैं हिल्ला पहुंचा तो मैंने देखा एक गेट बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है मकाम साहिबुल जमान, इमाम ज़माने की तरफ उस मकाम को मंसूब किया गया है कि लोग सारे के सारे उस जगह पे आ रहे हैं और उस जगह का बोसा ले रहे हैं, चूम रहे हैं। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई किस्सा क्या है, सबब क्या है कि लोग यहाँ आके ज़ियारतें कर रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, इमाम के ज़हूर की दुआएं कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने बयान किया, शेख अली अकबर नहावंदी अपनी किताब अबकरीयुल हसान में इस किस्से को नकल फरमाते हैं, कहते वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक शेख अली ये हल्लावी रहा करते थे, कि शेख अली ये हल्लावी रहा करते थे, कि शेख का एक शिकवा था इमाम जमान से कि ये चिल्लाते थे और अपने जमाने के इमाम को मुखातिब करके फरमाते थे, कहते थे मौला कितने मुंतजर हैं, ये देखे मजलिसों में हजारों लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे आपके मुंतजर हैं, मौला फिर आप जहूर क्यों नहीं फरमाते। शेख अली हल्लावी का ये शिकवा था, मौला हिल्ला में कितने आपके आशिक हैं, सारे के सारे मौलाई हैं, सबके दिलों में इश्क अली है, सबके दिलों में इश्क फातिमा है, मौला फिर आप जहूर क्यों नहीं फरमाते। जब शेख अली हल्लावी ने इसरार किया, इमाम ने फरमाया शेख अली हल्लावी ठीक है, वो अफराद जिन्हें तुम हमारा मुंतजर मानते हो उन्हें लेके आओ, क्या उन्हें लेके आओ। ओके ठीक है, लेके आने से पहले फला कसाई जो फला बाजार में रहता है उस कसाई के पास जाना, उस कसाई से कहना कि तुम्हें इमाम ने तलब किया है, और उस कसाई से कहना कि भाई दो बकरे अपने साथ लेके चले आए। कसाई ने दो बकरे लिए, घर में पहुंचा, अब सारे के सारे शेख अली हल्लावी ने ढूंढना शुरू किया कि देखिए भाई इमाम ज़माना का इश्क किसके अंदर ज्यादा है, मारिफत किसके अंदर ज्यादा है, इश्तियाक किसके अंदर ज्यादा है, मोहब्बत किसके अंदर ज्यादा है। 40 लोगों को इन्होंने चुना और चुनने के बाद अपने घर के आंगन में सहन में सबको खड़ा किया कि इंतजार करो इमाम तशरीफ लाएंगे। अब सारे के सारे नमाजें पढ़ रहे हैं और नमीदुनम दुआएं पढ़ रहे हैं और हाथों को बुलंद कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, मुरादें मांग रहे हैं, और ये करेंगे वो करेंगे, कुर्बानियां करेंगे, नमीदुनम फला 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 फला। सब ने अपने दिलों में ख्याल करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आवाज आई छत से कि इमाम तशरीफ ला चुके हैं। इमाम ने सबसे पहले आवाज दी, शेख अली हल्लावी उस कसाई को ऊपर भेजो। कसाई को ऊपर भेजा गया, किस लिए? कि इमाम इससे मुलाकात करेंगे। कसाई छत पे पहुंचा और इमाम ने पहले ही फरमाया था कि उस कसाई से कहना दो बकरे लेके पहले ही छत पे बांधे, इन लोगों को पता ना चले बकरे पहले से छत पे बंधे हुए थे, कि शेख अली हल्लावी भेजो। कसाई को ऊपर बुलाया, इमाम के चेहरे मुनव्वर को जैसे ही देखा, कसाई मुहिब मौला था, मुंतजर था मौला का, हाथों को चूमा, आंखों में अश्क जारी हुए। मौला ने फरमाया जाओ बिस्मिल्लाह एक बकरे को ज़बह कर दो। कसाई ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बकरे को ज़बह किया। अब जैसे ही ज़बह किया तो परनाले से खून गिरना शुरू हो गया।
अब भाई जैसे ही खून गिरना शुरू, अब मिसाल के तौर पे यहाँ अचानक खून गिरने लगे तो जाहिर सी बात है सबके जहनों में सवाल आएंगे कि भाई कैसा खून है, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं। और अगर हमें पता हो कि अभी एक आदमी चढ़ के ऊपर गया तो हम यही समझेंगे उसी आदमी को मार दिया गया। ऐसे ही कुछ हुआ, जब कसाई छत पे गया और परनाले से खून निकलने लगा, वो अफराद जो इमाम जमाना से मुलाकात के लिए आए हुए थे, अब जैसे ही परनाले से खून गिरता हुआ देखा, आपस में चेमीगोइयां होने लगी कि ऐसा तो नहीं इमाम जमान ने इसे मार दिया। अभी सिर्फ चेमीगोइयां हो रही हैं, दिलों में डर पैदा हो रहा है, हिम्मतें टूट रही हैं। फिर आवाज आई, शेख अली हल्लावी तुम आओ। शेख अली हल्लावी ऊपर पहुंचे, कसाई की तरफ मुखातिब हुए, मौला फरमाया जाओ इस दूसरे बकरे को भी ज़बह कर दो। अब जैसे ही दूसरे बकरे को ज़बह किया गया, परनाले से खून टपकना शुरू हुआ, वो अफराद जिनके दिलों में शक था उनकी शक यकीन में बदल गई। और थोड़ी देर के बाद इमाम ने कहा शेख अली हल्लावी अब तुम नीचे जाओ और सबसे कहो इमाम तुम सबसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब जब शेख हल्लावी नीचे पहुंचे तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। इस किस्से में बाज़ औक़ात जब इस किस्से को पढ़ा जाता है तो जाहिर सी बात है चेहरों पे मुस्कुराहट भी आती है, लेकिन इसी किस्से को जब एक संगीनी से सोचा जाए तो आंखों में अश्क भी आते। शेख अली हल्लावी ऊपर चढ़े, हाथों को मौला के सामने हाथों को जोड़ा के मौला मुझे माफ कर दे। मौला मैं बार बार आपसे कह रहा था ना, मौला क्यों जहूर नहीं फरमा रहे, मैं शिकवा कर रहा था, मैं जिद कर रहा था मौला। मेरा मानना यह था कि सारे के सारे आपके मुहिब हैं, सारे चाहने वाले, सारे मुंतजिर हैं। फिर एक जुमला फरमाया और साहिब अबकरियुल हसान ने अपनी किताब में नकल किया, शेख अली हल्लावी ने इमाम जमान को मुखातब किया और फरमाया कि मौला मुझे नहीं पता था आप इतने गरीब हैं। इमाम जमान से अगर आप मिलना चाह रहे हैं, इमाम जमान से अगर आप राबिता रखना चाह रहे हैं, तो राबिता कब होगा, जब पूरी दुनिया को आप अपनी पीठ के पीछे डाले और सामने फकत व फकत जाते इमाम जमान हो, इसके सिवा कुछ नहीं, तब आपको कामयाबी मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर जर्रा बराबर दुनिया का ख्याल, शोहरत का ख्याल, ओहदे का ख्याल, पैसों का ख्याल, मालो दौलत का ख्याल, इमाम जमाना के दीदार नहीं हो सकता। इमाम जमाना के दीदार के लिए दुनिया आपको छोड़नी होगी। एक मर्द साबुनी हुसैन तहरानी अपनी किताब में बड़ा खूबसूरत ये किस्सा नकल फरमाते मर्द साबुनी का। बस मैं आपकी जहमतों को खत्म कर रहा हूँ, मैं भी इतनी दूर से आया हुआ हूँ और अगर तकरीबन मुख्तसर ही पढ़ के चला जाऊँ तो कोई फायदा नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो आप हजरात के सामने आपको भी थोड़ा परेशान करूं, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तकरीबन मेरी भी एक आदत हो गई है, मैं भी तकरीबन एक अरसे से मुसलसल खिताबत कर रहा हूं, तो एक हुनर मुझ में ये भी आ गया है खुद ब खुद कि सामाइन के चेहरों से अंदाजा लगा लिया जाता है कि सामाइन बेदार हैं या सो रहे हैं। मैं आखिर में कहने यही जा रहा था कि माशाल्लाह से आपके चेहरों से ये नहीं लग रहा है कि आप दूसरी मजलिस में बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इस तादाद में दूसरी मजलिस में शिरकत और इस समात व बेदारी के साथ। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, आप सब अपनी सलामती के लिए सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। खुलासा, इमाम जमान से अगर आपको राबिता रखना है, इमाम जमान से राबिता कायम करना है, तो दुनिया को आपको पीछे छोड़ना होगा। बड़ा खूबसूरत किस्सा हुसैनी तहरानी साहब अपनी किताब में नकल फरमाते हैं, कहते एक मर्द साबुनी, एक साबुन फरोश, साबुन बेचने वाला
امام زمانہ کا بڑا منتظر، بڑا مشتاق، دیدار کے لیے بڑے نعرے لگا رہا ہے، بڑا اشتیاق اٹھا رہا ہے امام زمانہ کے دیدار کے لیے، اس کے دل میں حسرت ہے، خواہش ہے، پروردگارا ایک نظر امام زمانہ کے وجود مبارک سے عنایت فرما، صرف ایک نظر امام زمانہ کے چہرے کو دیکھ سکوں، ایک خواہش ہے، حسرت ہے، حسرت کا ہونا بھی بڑی عبادت ہے خدا کی قسم۔ وہ افراد جن کے اندر امام زمانہ سے ملنے کی حسرت ہے وہ لوگ کوئی کم اور ہلکے نہیں ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ یہ جملہ بھی میں نے بڑی ذمہ داری سے کہا ہے، اور اگر نہ مانے تو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک حسرت کی ہو امام زمانہ سے ملاقات کی، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حسرت کی ہو، جنہوں نے خواہش کی ہو پروردگار امام زمانہ کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما۔ شیخ حسین طہرانی فرماتے ہیں مرد صابونی، صابون بیچنے والا آدمی، امام زمانہ کے دیدار کا مشتاق، روز گریا کر رہا ہے، پروردگار امام زمانہ کے دیدار سے مشرف فرما۔ کہتے ہیں ایک دن ایک صاحب ان کی دکان پہ آئے، اور آنے کے بعد کہ تم امام زمانہ سے ملنا چاہ رہے ہو، کہ بہت دنوں سے امام زمانہ کی زیارت کا مشتاق ہوں، ہاتھ پکڑا کہ بسم اللہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے امام کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ یہ مرد صابونی ان کے ساتھ چل دیا۔ اب جیسے ہی چلا راستے میں ایک دریا پڑی، کہ بسم اللہ، کہ دریا پہ کیسے نکلیں، ہاتھ میں ایک پرچی دی اور فرمایا جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو اس کا نام اپنی زباں پہ لے کے آؤ۔ بھائی مہدی بھی تو اسم اعظم ہے یا نہیں؟ مہدی بھی اسم اعظم ہے، کہ جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو اس کا نام اپنی زباں پہ دہراؤ۔ انہوں نے پانی پہ چلنا شروع کر دیا، اچانک سے تیز بارش ہونے لگی، تیز شدید بارش ہونے لگی۔ اب جیسے شدید بارش ہوئی وہ صاحب، وہ مرد صابونی جو سالوں سے امام کا مشتاق ہے، میں نے جملہ کہا تھا امام سے اگر ملنا چاہ رہے ہو تو دنیا اپنے پیچھے ڈالو پھر امام تک پہنچ سکتے ہو، وہ مرد صابونی امام سے ملنے جا رہا ہے۔ اب جیسے تیز بارش ہونے لگی اس کے ذہن میں خیال آیا، کیسا خیال، کہ اما ہم نے تو صابون اپنی چھت پہ ڈال رکھے اور بارش اتنی تیز ہونے لگی سارے صابون گل کے پرنالے کے ذریعے زمین پہ گر جائیں گے۔ اب جیسے یہ خیال کیا ملنے کس سے جا رہا ہے؟ کائنات کے بادشاہ سے۔ خیال کس کا؟ صابون کا۔ اب جیسے ہی خیال کیا فوراً ڈوبنے لگا۔ اب جیسے یہ ڈوبنے لگا وہ آدمی جو ان کا مصاحب تھا اس نے انہیں باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد کہ مجھے نہیں پتا تم اچانک ڈوبنے کیسے لگے جبکہ تم نے تو مہدی کا نام اپنی زباں پہ دہرایا تھا، فرض یہ تھا کہ تم آہستہ آہستہ اس دریا کو عبور کرتے، پار کرتے، پھر تم گر کیسے گئے۔ عجب نہیں وہ خود بیان کرے کہ میرے ذہن میں صابون کا تصور آیا تھا اور میں فوراً گرنے لگا۔ اب جب یہ دریا کے اس پار پہنچے تو ان کے جو ساتھی تھے جو انہیں امام زمان کے پاس لے کے جا رہے تھے انہوں نے کہا کھڑے ہو، میں امام کے پاس جاتا ہوں، امام سے اجازت طلب کرتا ہوں، اگر امام نے اجازت دی تو میں تمہیں امام کے پاس لے کے چلوں گا۔ اب جملہ سنیے اور میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا جو میں نے شروع میں کہا تھا، اگر امام تک پہنچنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ اب جیسے ہی امام زمان کے پاس پہنچے اور پورا قصہ بیان کیا کہ مولا فلاں آدمی آپ کا مشتاق ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے اور آپ سے ملنے کے لیے یہاں تک آیا ہے، عجب نہیں امام زمان نے جیسے ہی سنا اور جملہ فرمایا کہ جاؤ ردوہ فإنه رجل صابونی، جاؤ اسے واپس کر دو، وہ انسان کہ جس کی فکر، جس کا ذہن صرف ایک صابون تک محدود ہو وہ امام سے ملاقات کے لائق نہیں۔ جس کی فکر ایک صابون میں ہو،
वो इमाम से मुलाकात के लायक नहीं। इमाम से मिलना है तो पूरी दुनिया को तर्क करना होगा इमाम से अगर मिलना है। और यही वजह है, अजब नहीं, शायद 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 यही हिकमत यही राज है कि जिसकी वजह से अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि तुम्हें पता है साहिब हादल अम्र, इस अम्र का साहिब यानी इमाम जमान। मैं मसाहिब की शुरुआत भी इमाम जमाना के वजूद से करूँगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट मसाहिब की जहमत दूंगा, मैं ज़्यादा मसाहिब पढ़ने का आदि नहीं हूँ। शायद यही वजह है इमाम ने जुमले फरमाए इमाम जमाना के हवाले से। मैंने अपनी जिंदगी में, खुदा ने मुझे ये शरफ दिया, मैंने मुख्तलिफ जगहों से इमाम जमाना की गुर्बत का पहलू बयान किया मुख्तलिफ मेंबरों से। ये खुदा ने मुझे शरफ दिया है, इमाम जमाना की गुर्बत, इमाम जमाना की तन्हाई। पहले इमाम फरमाते हैं साहिब हाज़ल अम्र अश्शरीदुल फरीद अत्तरीदुल वहीद। मैं सारे जुमलों का तर्जुमा आपकी खिदमत में नहीं बयान करूंगा, शरह नहीं करूंगा, बस दो जुमले। किसकी सिफत? इमाम जमान की सिफत। क्या फरमाते हैं? साहिब हाज़ल अम्र अत्तरीद अल-वहीद। ये दो जुमले, एक वहीद है इस अम्र का साहिब यानी इमाम जमान, वहीद है तरीद है। वहीद बहुत आसान तर्जुमा है, वहीद यानी तन्हा, कोई हामी और नासिर नहीं है, तन्हा है इस जमाने का इमाम, तन्हा है। एक जुमला। दूसरा जुमला, मैं बड़ी जसारत के साथ इस जुमले का तर्जुमा कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। इस अम्र का साहिब क्या है? तको तन्हा है, वहीद है। दूसरा जुमला अत्तरीद। तरीद का मतलब पता है? जिसे तर्द कर दिया जाए, जिसे निकाल दिया जाए। अजब नहीं, मौला बताना चाहते हैं, मौला के चाहने वालों ने हमने अपने जमाने के इमाम को अपने दिलों से निकाल दिया है, अपने दिलों से निकाल दिया है, चाहे वो अपने अमाल के जरिए हो या हरकत और रफ्तार और गुफ्तार के जरिए हो। कि पता है इमाम जमाना पे ऐसा ना हो कि रोज़े महशर तुम भी उन्हीं में शुमार हो जो इमाम जमाना को रुलाते हो। आपने हदीसें सुनी होंगी, अगर कोई इंसान मासूम के चेहरे पे मुस्कुराहट का सबब बने तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। अगर किसी इंसान जो सबब बने मासूम की मुस्कुराहट का, अब जरा बताओ अगर कोई इंसान जो मासूम के गिरिए का सबब बने, न जाने खुदा कैसे माफ करेगा। रोजे शबे जुमा रिवायतों के जुमले हैं, हम सब के नाम अमाल इमाम की खिदमत में जाते हैं, इमाम हमारे नाम अमाल को देखते हैं। अगर नाम अमाल अच्छे होते हैं तो इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, और अगर नामे आमाल खराब होते हैं तो इमाम की आंखों से अश्क बहते हैं। मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मौला के चाहने वालों, ऐ मौला के आशिकों, ऐ इमाम जमाना के मुंतजरीन, हमारा कोई भी अमल ऐसा ना हो जो इमाम जमाना के गिरिए का सबब बने। बस मैंने खत्म किया, माँ की मजलिस है, माँ के मसाइब के लिए भी कहा गया। करबला की कुछ माएँ ऐसी हैं जिनका जिक्र मुसलसल सुनते रहते हैं। एक माँ वो है जिसने 6 माह के बच्चे की कुर्बानी दी, और जब वो बच्चा कुर्बान हो गया, मदीने पहुंची, शाम पहुंची, कूफा पहुंची, जब भी उसके सामने पानी आता था तो वो बीबी अपने सीने पे हाथ मारती थी और चिल्लाती थी, अरे मेरे असगार, ये माँ तेरे बगैर पानी कैसे पिए, जबकि तेरा बाबा हाथों पे लिए चिल्लाता रहा। अगर ये हुसैन कसूरवार, इस बच्चे का क्या कसूर?
कि कभी पानी नहीं पिया एक माँ। दूसरी माँ आपको सुनना है, करबला की दूसरी माँ वो है जब मदीने से रवाना हुई, हुसैन के काफिले से मुलहक हुई, जनाब अब्दुल्ला दौड़ते हुए आए, दो नन्ने नन्ने बच्चे जैनब के हवाले किए और फरमाया जैनब देखो मैं बीमार हूँ, मैं लागर हूँ, मैं ज़ईफ हूँ, मैं खुद तो नहीं जा सकता, लेकिन याद रखो जब भी हुसैन पे वक्त आए तो मेरे इन दो नन्ने नन्ने फूल जैसे बच्चों को हुसैन पे कुर्बान कर देना। बस जुमला सुनिएगा, जनाब जैनब ने करबला उन दोनों बच्चों को ले गई। ले जाने के बाद जब इमाम हुसैन पे वक्त आया, दोनों बच्चों को सवारा, दोनों बच्चों को संभाला और संभालने के बाद जुलजना घोड़े पे सवार किया, मैदान कारजार की जानिब भेज दिया। दोनों बच्चों ने जंग की आवाज दी, मेरी मदद के लिए आए। इमाम हुसैन पहुंचे, दोनों लाशों को उठाया, खेमे में लेके आए, जैनब के सामने पेश किए। अरे ये माँ कैसी थी, जब लाशा देखा फौरन खेमे में चली गई। मैं कहूंगा ऐ जैनब कुबरा आपने गिरिया नहीं किया, अजब नहीं जनाब जैनब फरमाए अरे मैं अपने बच्चों पे कैसे रोती जबकि अभी फातिमा का लाडला हुसैन करबला में जाएगा, शिमर सीने पे सवार होगा, खंजर लेगा हुसैन के गले को। वाह हुसैन, لا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره। रोती हुई आंखों से अगर किसी शय के लिए दुआ की जाए तो खुदा ज़रूर कबूल करता है। परवरदिगारा हमारे इन आंसुओं के सदक़े में इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा हमारे इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह अता फरमा। परवरदिगारा हमारी इन मुख्तसर इबादतों को कबूल फरमा। परवरदिगारा हम सब के दिलों में महब्बत व मारिफत अहले बैत उजागर फरमा। परवरदिगारा हम सबको तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़माने के इमाम से मुतमस्सिक हो सकें।